हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जो मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने ट्रेलर बनाया था अपने वीडियो का, छोटा सी कि मैंने टेक्निकल लीडर नाम हटा के जो टेक्निकल शेख जी नाम है वो अपना चैनल पे बनाया है, तो उसी के चलते मैंने कुछ नया सेटअप किया है अपने लिए। तो मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि मैं कुछ अलग करूँगा, आपसे कुछ अलग टाइप्स की वीडियो बनाऊंगा और कुछ एंटरटेनमेंट वीडियो बनाऊंगा कि आपको देखने से बोर ना हो, आपको नॉलेज भी मिले कि इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको उस चीज़ के बारे में पता भी चल जाए और आपको बोर भी ना हो देखने से। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, तो ये था मेरा अलग सेट। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको इन्फिनिक्स नोट 4 के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा और आपने जो टाइटल पढ़ा उससे आपको पता ही चल चुका होगा कि मैं क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। तो मेरे पास है इन्फिनिक्स नोट 4, दिख रहा है आपको? नहीं, दिख तो नहीं रहा होगा क्योंकि वो मेरे पीछे रखा है। तो इन्फिनिक्स नोट 4 जो है मेरे पास है वो लेकर मुझे हुआ फ्लिपकार्ट से 3 महीने हुआ लेकर। तो मैं कुछ उसकी रिव्यू देने वाला हूँ कि 3 महीने बाद वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। उसमें मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस भर के रखे यूज़ करने के लिए, तो मैं कुछ ऐसे ही बताने वाला हूँ कि इतने सारे एप्लीकेशंस आपको उसमें भरने के बाद, आपको इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या मुश्किलें होती है और कितने लैग्स होते हैं और क्या क्या आपको उसमें देखने को मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी आपको वैसे ही मिलती है जैसे पिछले, जैसे आपने ब्रांड न्यू मोबाइल ख़रीदा है वैसे ही मिलती है कि कुछ अलग देखने को मिल जाता है। तो आपको, आपने इन्फिनिक्स नोट 4 देखा नहीं है, ये देखिए, नहीं है तो ये मेरे पीछे रखा है, ये देखिए, ये है इन्फिनिक्स नोट 4। तो आपको लग रहा होगा ये इन्फिनिक्स नोट 4 कैसे, कुछ बता दूँ इसके बारे में। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा इन्फिनिक्स, तो ये इन्फिनिक्स नोट 4 है और जो कवर है ये इसका जो बैक कवर है वो था उसके साथ ही मिला। इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मेरे चैनल में, जो सबसे फर्स्ट वीडियो आपको मेरे चैनल में, आप जाएंगे टेक्निकल शेख जी के चैनल में आप जाएंगे तो सबसे आखिर में जो होगा ये उसी की इन्फिनिक्स नोट 4 की अनबॉक्सिंग से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था यूट्यूब पर, जो काफ़ी अच्छा चल रहा है अब तक। तो अगर आपका साथ रहा, तो आपका सपोर्ट रहा, तो मैं और आगे जाऊँगा यूट्यूब पर। अगर आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तभी यही हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है कि मैं और आगे जाऊँ यूट्यूब पर और आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, मोबाइल रिव्यूज़ या अनबॉक्सिंग या बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाऊं मैं यूट्यूब पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए इसकी कुछ मैं रिव्यू देता हूँ और कुछ इसकी जो स्पेशल फीचर्स कह सकते हैं जो मुझे मिले हैं इसके अपडेट्स के बाद, और इसके जो आपको रेडमीज़ की सीरीज़ में मिल जाता है उस तरह के जो फीचर्स है उससे जो हटकर इसमें फ़ीचर्स दिए गए हैं एडिशनल ऑप्शन, इसके जो फीचर्स है उसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में और आपको इसका रिव्यू दूंगा कि ये किस तरीके से चल सकता है। और मैं अगले वीडियो में आप अपने इसकी इन्फिनिक्स नोट 4 और रेडमी नोट 4 के सारी कंपैरिजन दूंगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी का कंपैरिजन, इसके जो है स्पीड टेस्ट है, कैमरा टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें हो गई उन दोनों के बीच में मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ आगे, तो वही बात की बात। तो अभी इस पर ध्यान देते हैं इसकी जो रिव्यू है 3 महीने बाद वो कैसा है। तो चलिए मैं बता देता हूँ उसके बारे में, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं नावेद, आप देख रहे टेक्निकल शेख जी चैनल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी जो आपको कह सकते हैं जो बिल्ड क्वालिटी दी गई है उसके बाद मैं कुछ बोल दूँ कि इसमें जो आपको पीछे जो ज़्यादा कुछ आपको स्क्रैच प्रूफ नहीं मिल जाता है, आपको पीछे स्क्रैच लगने के चांसेस है, इसलिए इन्फिनिक्स कंपनी ने आपको जो आपको स्मार्ट कवर मतलब बैक कवर दिया गया है पहले से कि आपको स्क्रैच लगने के चांसेस ही ना हो, तो इसके लिए जो कंपनी ने पहले से इंतज़ाम कर रखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है इन्फिनिक्स और नीचे लिखा है नोट, तो ये है इन्फिनिक्स नोट 4। और बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, इसकी डिस्प्ले जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, जो Xiaomi के फ़ोन से आपको Redmi के फ़ोन से उससे काफ़ी अच्छी आपको इसके डिस्प्ले मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने आपको बहुत ही कह सकते हैं आपको अंदर से आपको डिस्प्ले दिख कर उभर के आता है आपको इसमें,
तो देख सकते हैं आपको कैसा डिस्प्ले दिया है और काफ़ी अच्छा है इसका जो MI आपको जो XOS मिल जाता है, आपको जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है आपको। इसमें इंटरफेस अच्छा दिया गया है बहुत ही, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ से स्वाइप अप करूँ तो ये पूरा ओपन हो जाता है मेन्यू, और आपको मेन्यू एडिट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए। तो मुझे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं, कितने सारे एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं कि इसमें जैसे कि आपको कितने सारे एप्लीकेशन दिख रहे हैं यहाँ पर, कितने सारे एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी लैग नहीं हो रहा है, बहुत स्मूथली चल रहा है। इसमें प्रॉब्लम्स आती है कभी कभी की है, कभी कभी लैग होता है, पर ज़्यादातर तो नहीं होता है, 99% ये लैग नहीं होता है, 1% आपको कभी जब हैवी गेम्स आप खेले तभी आपको लैगिंग का जो प्रॉब्लम है वो दिखाई देता है। आप इसमें हैवी गेम्स बिल्कुल नहीं खेल सकते, जैसे मॉडर्न कॉम्बैट 5 हो गया, ये सारे गेम्स आप इसमें नहीं खेल सकते क्योंकि ये बहुत आपको इसमें ऑपरेटिंग जो प्रोसेसर मिलता है वो आपको स्नैपड्रैगन नहीं मिलता है, आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलता है। ये इसका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं कि आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं मिलता है। तो इसके बाद बात करते हैं इसकी जो स्पेसिफिकेशन दी गई है उसके बारे में, तो मैं अभी ओपन कर लेता हूँ कैमरा, आपको ज़रा कैमरा बता दूँ इसका, देख सकते हैं आप, आपको मैं इसका कैमरा जो देखिए इसमें आपको सारे सिस्टम और ये जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, नॉर्मल, प्रोफेशनल, ब्यूटी, नाइट, पैरानोमा, ये सब आपको कैमरे में ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये भी आपको ऑप्शन है, HDR का ऑप्शन से, ग्राइडलाइन, स्माइल शॉट, गेस्टर शॉट, टच कैप्चर और मोर में दबाए तो आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको कैमरे के मामले में तो ये मुझे जो Xiaomi के फ़ोन से या फिर आप कह सकते हैं Xiaomi के फ़ोन से ज़्यादातर बेहतर ही है कैमरा, आपको इसमें जो लाइट क्वालिटी है वो सारी अच्छी मिल जाती है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, नीचे जाकर आपको बता दूँ इसके एडिशनल ऑप्शंस में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो उससे पहले आपको बता दूँ कि इसमें आपको मेन्यू में जो नोटिफिकेशन बार है आपको क्या क्या मिल जाता है, आपको स्क्रॉल शॉट मिल जाता है, स्क्रीन शॉट, 100 मोड आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ प्रेस कर दूँ इस पर तो आपको ये फ़ोन 100 मोड में चलता दिखाई देगा। तो ये हुई इसके 100 मोड की बात। आपको इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है, इसमें आपको बैटरी लाइफ मिलता है 4300 mAh बैटरी आपको इसमें मिल जाती है, पर आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ये बैटरी मिलती है। आप इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब आप आधे घंटे में आपको इसमें चार्जिंग फुल हो जाएगी ज़ीरो से, और आपको पूरा दिन आप ये इस चार्जिंग पर आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है इसमें। उसके बाद आपको सारे ऑप्शन, चलिए सेटिंग ओपन कर लेते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद हम जाते हैं नीचे, नीचे जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं गेस्चर एंड स्मार्ट मोशन, ये आपको सारे जो गेस्चर्स के जो वेक, टैप टू वेक, ये सारे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये कर दिया हूँ। अब यहाँ डबल टैप से आप अपना स्क्रीन जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद थ्री फिंगर्स टू स्क्रीनशॉट आपको कर सकते हैं, वेव टू अनलॉक, जब आप ये काम करेगा, ये ऑप्शंस काम करेगा जब आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो लॉक स्क्रीन पर आपको जो पासवर्ड है या फिर आप पैटर्न लॉक है वो नहीं होगा तभी ये वेव टू अनलॉक काम करेगा। टर्न टू साइलेंट, यह आपको कभी भी काम कर सकता है, आप इसे जो है प्रेस कर दीजिए, आप इसे ऑन कर दीजिए, तो अगर आपका फ़ोन आया आपको नहीं उठाना है तो आप सीधा इसे ऐसा कर रख सकते हैं कि ये साइलेंट हो जाएगा फ़ोन। उसके बाद आपको मिलता है एक बहुत ही अच्छा फीचर जो है एडिशनल ऑप्शंस में बता दूँ। उसके बाद आपको और इसका आपको मैं वर्जन बता दूँ, XOS आपको वर्जन मिल जाता है। उसके बाद आपको Infinix Note 4 डिवाइस है, मॉडल नंबर दिया गया, एंड्रॉयड वर्जन नॉगर 7.0। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पैच नवंबर 5 2017 की मिल जाती है इसमें, और आपको इसमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी में आपको क्या क्या मिल जाता है, आपको फिंगरप्रिंट, जैसे कि मैंने 5 फिंगरप्रिंट सेटअप किया है, आपको डिवाइस सिक्योरिटी जो भी सारे आपको स्मार्टफोन में मिल जाते हैं वो सारी सिक्योरिटी मिल जाती है। उसके बाद आपको साउंड, ये ज़्यादातर और कुछ खास तो नहीं है। आपको ऐप्स में आपको क्या क्या मिल जाता है, ऐप्स में
जो है वो आप जो इंस्टॉल किए वो। और बैटरी लाइफ बता दूँ आपको, यहाँ पर बैटरी अल्ट्रा पावर बैटरी सेविंग आपको मिल जाती है ऊपर नोटिफिकेशन में, जैसे कि आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं। इस पर दबाने से क्या होगा कि आप 1% पर आप 15 से 20 मिनट आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बैटरी लाइफ जो है वो पावर वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दूँ जो स्लीप क्लीन अप है, उससे आप जो क्लीन कर सकते हैं अपना मोबाइल, आप जो भी चलाए वो आपको स्टोर नहीं होगा आपके डिवाइस में। डिस्प्ले जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, आपको 6 इंच का आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा है जो है 6 इंच का। 6 इंच का आपको इसमें डिस्प्ले है, वो भी बहुत ही ज़्यादा कलर सपोर्ट्स के साथ। आपको इसमें कलर्स क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, आप बड़े से बड़ी HD मूवीज़ देख सकते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी में देख सकते हैं आप इसमें। उसके बाद आपको इसके जो एक्स थीम है, एक्स शेयर है, एक्स सिक्योरिटी, एक्स मैनेजर, एक्स क्लब, एक्स क्लाउड, एक्स अकाउंट, ये सारे सिस्टम मिल जाते हैं। जैसे Xiaomi में MI अकाउंट मिलता है, उस तरह इसमें इन्फिनिक्स में X अकाउंट मिल जाता है। जो आपको इसमें XOS मिलता है, जो है X ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है वो आपको सारे X के इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कई और सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल है, पर ये लैग नहीं हो रहा। कभी कभी होता है आप इसमें हैवी गेमिंग खेले तो ये लैग होना शुरू कर देता है। उसके बाद देख सकते हैं मैं कब से फ़ोन को ऑपरेट कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, फिर भी इसकी जो चार्जिंग है वो 1% भी कम नहीं हुई, 100 की 100 पर है। आपको शायद दिख रहा होगा, मैं फोकस इस पर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, तो आपको अभी तो दिख रहा होगा कि इसकी देखिए 100% इसमें चार्जिंग जो है वो हो गई है। तो मैंने अभी चार्जिंग फुल करा था, तो आपको मैं अगले वीडियो में अपने वो भी बता दूंगा कि आपको 0 से लेकर 100 तक आपको इसमें चार्जिंग करके बताऊंगा। अब साइड में होऊंगा Redmi Note 4, तो दोनों के कंपैरिजन में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कौन सा फ़ोन बहुत लेट होता है चार्ज। तो आपको स्पीड टेस्ट सारे टेस्ट आपको मैं इन दोनों के कंपैरिजन में बताऊंगा। तो आप अगर आपको देखना है पहले ही, सबसे पहले देखना है ये कंपैरिजन, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जिसका नाम है टेक्निकल शेख जी। तो नीचे ही आपको वीडियो जब आप मिनिमाइज़ करोगे तो वहाँ पर आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाएगा, तो आपको क्या करना है उसे प्रेस कर लेना है, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, तो आप अपने जो हमारे लेटेस्ट वीडियोस है उसके लेटेस्ट जो अपडेटेड रहेंगे लेटेस्ट वीडियोस के साथ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए टेक्निकल शेख जी चैनल, और we will meet soon.